अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी होल तंदूरी चिकन की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ होल चिकन लिया है और इसका वेट जो है वो लगभग 1 kg है। तो सबसे पहले मैं इसमें डीप कट्स लगा लूंगी। इससे क्या होता है, मसाला जो है वो अंदर तक बहुत जाता है जब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो जो भी हमने मैरिनेशन के मसाले इस पर लगाएंगे तो वो अंदर तक चिकन के पहुँच जाएंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और कट्स लगाने के बाद मैं इसको ब्राइनिंग के लिए रख दूंगी, जिसके लिए मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जिससे जो चिकन जो है वो हमारा अच्छे से कवर हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी वाइट विनेगर, सॉल्ट, और इसको अच्छे से रब करते हुए मिक्स करके इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इससे क्या है, चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाता है। तो अब इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप हंग कर्ड लिया है और इसी के साथ मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। मस्टर्ड ऑयल से बहुत ही अच्छा तंदूरी डिशेज में टेस्ट आता है। और मैंने यहाँ डाला है बेसन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, तंदूरी मसाला पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है। तो मैरिनेशन के लिए हमें जितने भी मसाले चाहिए थे हमने सबको एक साथ मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको एक साइड रख दूंगी और जो हमने चिकन ब्राइनिंग के लिए रखा था उसका पानी मैंने फेंक कर इसको 2 से 3 बार वॉश कर लिया, जिससे इसका एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो निकल जाए। अब जो मसालों का मिक्सचर है उस पर अच्छे से चिकन पर रब करते हुए और इसके जो डीप कट्स लगाए थे उसके अंदर अच्छे से रब करते हुए इसको पूरा होल चिकन पर अप्लाई करना है। तो मैंने अच्छे से पूरे चिकन पर मसाला अच्छे से लगा दिया है और अब जो इसकी लेग पीस है इसको हम थ्रेड से बांध देंगे, जिससे क्या है चिकन का शेप मेंटेन रहता है और ये टूटता नहीं है। और इसके बाद हम इसको ओवरनाइट या 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाला है कुकिंग ऑयल और साथ ही मैं इसमें डालूंगी बटर। बटर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। और मैंने जो चिकन को है वो ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा था तो मैं इसमें मैरिनेट करा हुआ होल चिकन को भी डाल दूंगी और जो इसका बचा हुआ मसाला रह गया था वो भी इसके ऊपर लगा दिया है। और थोड़ा सा पानी बाउल में डालकर वो भी मैंने जो मसाले का पानी था वो भी इस पर डाल दिया है। और अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से हिलाते हुए पकाऊंगी ताकि जो चिकन का और मसालों का पानी है वो इससे अलग हो जाए। और अब इसको मैं सीने की साइड से पकाऊंगी क्योंकि इसका गोश्त जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैं इसको पलट देती हूँ और पलटने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर कवर करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने दूंगी। और बीच बीच में मैं चिकन को खोलकर इसे इस तरीके से हल्का सा हिलाऊंगी और जो साइड से इसके मसाले हैं और ऑयल है वो इसके ऊपर से डालती रहूंगी, जिससे ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और इस प्रोसेस को कम से कम 2 से 3 बार एक साइड से पकते हुए ऐसे ही करना है। चिकन एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है तो मैं इसको पलट देती हूँ और इसको पलटते टाइम आप 2 चम्मच का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से बहुत ही आराम से इसको पलट दें। और सेम प्रोसेस से इसको फिर पकाना है 10 से 15 मिनट कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख देना है और बीच बीच में इस प्रोसेस को करना नहीं भूलें, जिससे चिकन जो है अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो हमारा चिकन जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से गल गया है और अब जो इसका मसाला और पानी थोड़ा सा रह गया है उसको हाई फ्लेम पर इस तरीके से हिलाते हुए अच्छे से खुश्क कर लें ताकि जो मसाला है वो चिकन पे अच्छे से लिपट जाए। और उसके बाद
हम चिकन को ग्रिल कर लेंगे। जिसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है और आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से ग्रिल कर लूँगी। तो देखिए हमारा मज़ेदार चिकन तंदूरी बिल्कुल तैयार है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह।